अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू हुआ, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य जनहितकारी राज्य के रूप में आगे आया है, ये राज्यपाल ने कहा। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ मॉडल की काफी तारीफ भी की। उसके साथ ही गौधन न्याय योजना का फायदा जनता को मिल रहा है, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा। साथ ही कहा कि ग्रामीण विकास में सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 3 सालों में सरकार को 36 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो वहीं छत्तीसगढ़ी खान पान को बढ़ावा देने 16 जिलों में गढ़कलेवा का निर्माण किया गया है। हर घर नल जल योजना के तहत अशुद्ध जल उपलब्ध कराया गया। तो वहीं पर 2023 का लक्ष्य रखा गया है शुद्ध जल पेयजल हर घर तक पहुंचाने का। वहीं अनुसूचित इलाकों में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, ये अनुसुईया उइके ने कहा। तो वहीं पर अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती की जा रही है, फिल्म नीति लागू की गई, छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 30.13% से घटकर 19.86% पहुंच गई है। बता दें कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में महिला स्वावलंबन के लिए अनेक कार्य करने का भी जिक्र किया। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 102 करोड़ की राहत कोविड ग्रसित परिवार को दी गई है। उसके साथ विगत एक वर्ष में 26 नए सरकारी महाविद्यालयों का निर्माण किया गया है। 13,269 राज्य युवा मितान क्लब की स्थापना भी की जा रही है। तो राज्यपाल ने अपने आज के अभिभाषण में ये सब कहा है, जहाँ पर उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ भी की है।